नीम ऑयल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह अकेली इकलौती ऐसी दवाई है जिसे किसी भी फसल में कीटनाशक की जगह या फफूंदनाशक की जगह या एंटीबैक्टीरियल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह सभी फसल में हर प्रकार के कीट पर काम करती है, चाहे किसी भी प्रकार की इल्ली हो या सुंडी हो, चाहे तना छेदक हो, फल छेदक कीट हो या रस चूसक कीट हो, चाहे किसी भी प्रकार की इल्ली या सुंडी का अंडा हो या लार्वा हो, फसल में व्हाइट फ्लाई सफेद मच्छर हो, यहाँ तक कि इनके साथ भले फसल में मकड़ी भी लगी हो तो वो भी नीम ऑयल से कंट्रोल की जा सकती है। इसी नीम ऑयल से जुड़े कुछ सवाल किसान भाइयों के भी हैं। इसमें यह 10,000 ppm क्या है, यहाँ जो अजाडिरेटिन 1% लिखा हुआ है यह क्या है, क्या सच में अकेली दवाई इतने काम करती है, इसे कितनी मात्रा में लेना है, इसका क्या खर्च आने वाला है, तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। बारी बारी से सभी टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसके आखिरी के कुछ हिस्से में बहुत ही जानकारी और अंदर की बात बताई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि यह नीम तेल है क्या। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह नीम का तेल है, जिसे नीम के पत्तों से या नीम के बीज से यानी निम्बोली से बनाया जाता है। नीम के बीज में जो तेल की मात्रा वाला तत्व होता है उसे प्रोसेस करके निकालते हैं, इसलिए इसे नीम तेल कहते हैं। अब दूसरा सवाल है कि इसमें यह अजाडिरेक्टिन लिखा हुआ है यह क्या है। अभी जो हमने बात करी कि नीम के बीज में जो तेल तत्व निकाला जाता है उसी का वानस्पतिक नाम अजाडिरेक्टिन है। अब इसमें 1%, 3% या 5% जो लिखा होता है वो इसकी पावर को बताता है कि ये नीम तेल इतने पावर का है, जिसमें जितनी अधिक प्रतिशत मात्रा होगी वह उतना ही अधिक पावर वाला और अधिक कड़वाहट वाला होगा और छोटे बारीक कीटों के साथ साथ बड़े बड़े जटिल कीटों पर भी कंट्रोल करेगा। अब अगला सवाल है कि इसमें यह 10,000 ppm क्या है। तो यह ppm किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को नापने की एक यूनिट ही है। जैसे हम 1 किलो, 1 लीटर, 100 ml या 1% जैसे यूनिट से किसी चीज को नापते हैं या वजन करते हैं, ऐसे ही ppm भी बताता है कि इस बॉटल में कितनी प्रतिशत मात्रा में तत्व मौजूद है। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख हिस्से में से कितना हिस्सा उस तत्व का है। उदाहरण के लिए अगर किसी बॉटल में 10 लाख बूंद टोटल दवाई की है और उसमें लिखा हुआ है 10,000 ppm, यानी उन 10 लाख बूंद में 10,000 बूंद उस तत्व की है जो यहाँ लिखा हुआ है। अब वापस आते हैं अजाडिरेक्टिन पर। तो यह आपको अलग अलग ppm में देखने को मिलेगा, जैसे 300 ppm, 500 ppm, 1500 ppm, 5000 ppm, 10,000 ppm, 50,000 ppm, यहाँ तक कि 80,000 से 1,00,000 ppm तक भी देखने को मिलता है। और अभी इस वीडियो में हम 10,000 ppm की बात कर रहे हैं, जो अधिकांश बड़ी सुंडियों और हर प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। यह बात भी सही है कि यह हर प्रकार के कीट पर काम करता है और लंबे समय तक कारगर रहता है। बस बारिश के मौसम में पानी गिरने से यह धुल जाता है और इसका असर कम हो जाता है, इसलिए इसे लगातार बारिश होने पर हर 10 दिन में या 15 दिन में स्प्रे करना होता है। भले आप इसे लगातार हर स्प्रे में लेंगे तब भी यह कीटों को रेजिस्टेंस पावर डेवलप नहीं करने देता है, यह हर बार उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट देगा। जैसा खाने के अचार में तेल डालने से उसमें फफूंद नहीं लगती, ऐसे ही यह अजाडिरेक्टिन भी नीम तेल ही है, तो यह फंगस को इस कारण से कंट्रोल करता है। इससे पाउडरी मिल्ड्यू बबूत या रोग पर नियंत्रण मिलता है। यह मकड़ी, मच्छर, इल्लिया, इल्ली के अंडे, फल छेदक, तना छेदक और रस चूसक सभी कीटों पर काम करता है। अगर एक्चुअल में आपको असली नीम तेल अजाडिरेक्टिन ही मिलता है तो, क्योंकि मार्केट में नीम तेल अजाडिरेक्टिन के नाम पर बहुत सारी दवाइयां मिल जाएगी जिनमें नीम तेल के नाम पर पता नहीं क्या देते हैं। काम तो वह भी करती हैं पर सारा काम नहीं करेगी जो अजाडिरेक्टिन नीम तेल करता है। या तो केवल इल्लियां मारेगी, या फिर केवल मकड़ी पर काम करेगी, या फिर केवल मच्छर को कंट्रोल करेगी। इसलिए जो अच्छी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आपने सुने हुए हैं वही लेना है। मैंने जो कुछ नाम सुने हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे कोरोमंडल का नीमाजल TS नाम से आता है, मार्गो का इकोनीम प्लस नाम से है, एरिस का त्रिशूल नाम से है, टाटा रेलिस का रेलिनीम प्लस नाम से है, और भी कई नाम से आता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का देख कर ले सकते हैं। इसके उपयोग की मात्रा कीट के प्रकोप को देखकर 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना है। कीमत की बात करें तो इसका 1 लीटर का पैग अलग अलग कंपनी का 2,500 से 5,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। अब रेट में इतना अंतर क्यों है यह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी इस वीडियो में इतना ही काफी है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।